यार तुम्हारे मन में ये सवाल कभी भी नहीं आया कि तुम्हें मिनोक्सिडिल लगाने से फायदा हो रहा है या कुछ और? नहीं तो मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनोक्सिडिल के बारे में तुम अब इस वीडियो में इतना जान जाओगे कि तुम और किसी को भी बता सकते हो। अभी मजा आएगा ना वीडियो। मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को खत्म होते होते आपके मन में जितने भी मिनोक्सिडिल को लेकर डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो में खासकर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट जो मिनोक्सिडिल है वो कौन सी हो सकती है, तो उसके लिए तो तुम्हें वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। कंट्रोल। तो सबसे पहला जो सवाल है वो हमारे सामने ये आता है कि मिनोक्सिडिल एक्चुअली में है क्या? हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग ये कहोगे कि भाई टॉपिकल सॉल्यूशन है, इसके बारे में तो सब बात करते हैं। मुझे पता है टॉपिकल सॉल्यूशन है, लेकिन टॉपिकल सॉल्यूशन से आगे क्या, ये काम कैसे करती है, क्या आप लोगों को पता है? चलिए मैं बताता हूँ। तो मिनोक्सिडिल जो है इसको सबसे पहले 1960 में डेवलप किया गया। एक्चुअली इसको बनाया इस पर्पज से गया था कि जिनको ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है उससे लड़ा जा सके। तो बाद में सिम्टम्स देखे गए कि इसकी वजह से जो हेयर फॉल है वो भी कंट्रोल हो रहा है, लेकिन कुछ इसके साइड इफेक्ट भी हैं। अब आगे चल के 1980 में इसकी प्रॉपर एक टॉपिकल सॉल्यूशन बनाया गया। वो सॉल्यूशन को लोगों को दिया गया लगाने के लिए और डॉक्टर्स ने इसके बारे में रिसर्च किया, तो जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे देखने को मिले। वो रिजल्ट क्या थे? वो ये थे कि लोगों का जो हेयर फॉल है वो काफी हद तक कंट्रोल हो गया था। जिनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अभी तक भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं आया था। लेकिन आगे चल के 1992 में ये जो टॉपिकल सॉल्यूशन है इसको विमेंस को भी दिया गया यूज करने के लिए, उनमें भी काफी अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। तो अब मैं अगर आज की बात करूं तो आज के टाइम में मिनोक्सिडिल जो है उसको FDA ने अप्रूव किया हुआ है और ये तमाम जो शहर हैं, तमाम जो देश हैं उनमें आसानी से मिल जाती है और काफी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसको रेकमेंड करते हैं। तो अगला जो सवाल हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो ये कि भाई मिनोक्सिडिल जो है वो काम किस तरीके से करता है। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटे से चैलेंज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो चैलेंज है मैंने अपने हिसाब से अपने लिए स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत चैलेंज आपके लिए भी है। अगर आपने ये वाली वीडियो मिस कर दी है तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप इस वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। इसमें मैंने नॉर्मली बताया हुआ है कि मेरे जो अगर जुलाई तक 10,000 जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट नहीं हुए तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। हाँ, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। तो यार जाओ, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा सब्सक्राइब तो करो यार। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें बेस्ट कंटेंट लाके दूंगा। तुमने नोटिस किया होगा मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो किस तरीके से बनती हुई आ रही है, सो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो चलिए दोबारा इस सवाल पे आते हैं कि मिनोक्सिडिल जो है वो काम किस तरीके से करती है। देखो, तुम में से काफी सारे लोगों को पता है कि जो मिनोक्सिडिल है वो टॉपिकल सॉल्यूशन है। अब ये काम किस तरीके से करती है? देखिए, मानिए एक छोटी सी शीशी आती है, उसमें लिक्विड जो सॉल्यूशन है वो उसमें होता है। अब इसको दो तरीके से लिया जाता है। एक, काफी सारे लोग जो हैं वो स्प्रे के हिसाब से लेते हैं, स्प्रे अपने स्कैल्प पे छिड़क लेते हैं, और जो दूसरे लोग हैं उस टॉपिकल सॉल्यूशन है उसको ड्रॉप करके अपने जो स्कैल्प है उसके ऊपर यूज करते हैं। काम किस तरीके से करता है, लेकिन मेन बात तो ये है भाई, मिनोक्सिडिल आप जब दवाई उसको डालेंगे, सॉल्यूशन अपने स्कैल्प पे डालेंगे तो वो क्या करेगी, आपके ब्लड वेसल्स में जाएगी और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करेगी आपके ब्लड में। इससे क्या होगा कि आपके जो फॉलिकल्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो जो झड़ने वाले बाल होंगे वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से तो उनको खाद मिल गई ना। अगर आप पौधे में भी खाद डालेंगे तो वो भी अपनी जड़ को अच्छे तरीके से पकड़ के रखता है और अच्छे तरीके से ग्रो करता है ना, तो जो हमारे ग्राफ्ट होते हैं वो भी उसी तरीके से काम करते हैं। उनमें सॉल्यूशन या कुछ अच्छी तरीके से आप कोई या फिर को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन डाल दो तो वो भी अच्छे तरीके से ग्रैब करके रखेंगे और आपके जो बाल हैं उनको झड़ने नहीं देंगे कभी भी। देखो, जो मिनोक्सिडिल है ना वो तुम्हारे फॉलिकल्स के जो साइज है ना उसको भी इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ जो आपके हेयर्स है ना उनको वो थिक करके रखता है, यानी कि मोटा करके रखता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, जो मिनोक्सिडिल है आपके जो एनर्जन फेस है उसको कंट्रोल में रखता है और बचा के रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आने वाले जो बाल हैं उनके ऊपर, मतलब आपके जो नए हेयर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। एलोजन, कैटोजन और टेलोजन फेस होता है, ये एक साइकिल होती है। अगर आपने इसके बारे में भी नहीं देखा है तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो खत्म होने के बाद आप ये जो वीडियो है इसको चला के देख लेना। इसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से जो साइकिल है हेयर के तरीके से बनते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको जरूर देखना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, मेरे को लगता है मिनोक्सिडिल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मिनोक्सिडिल की जब रिजल्ट की बात आती है तो काफी सारे लोग कहते हैं भाई ऐसा होता है वैसा होता है, तो चलिए इसके रिजल्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, अगर तुम सोचते हो कि मिनोक्सिडिल आज लगाओगे और उसका जो असर है वो कल से दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर तुम्हारा जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट
स्टार्ट हो गया और अब तुम आज से मिनोक्सिडिल लगाना स्टार्ट कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है तुम्हें एक हफ्ते के बाद दिखना शुरू होगा। वो भी तब दिखना शुरू होगा जब आप अच्छे तरीके से अपने जो हेयर्स हैं उनको एनालाइज करोगे और अच्छे तरीके से उनकी जाँच पड़ताल करोगे कि हाँ भाई आपको तभी पता लगेगा, नहीं तो वो उसके जो रिजल्ट है धीरे धीरे करके आते हैं, आपको नॉर्मली पता नहीं लग पाएगा अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो सोचते हैं कि भाई मेरा रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते, वो सोचते हैं मेरा रिजल्ट नहीं आया और मिनोक्सिडिल बेचारा धीरे धीरे करके काम कर रहा होता है तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं मिनोक्सिडिल। उसके जो रिजल्ट हैं वो बाद में लोगों को देखने को मिलते हैं कि भैया इसका जो रिजल्ट है वो खराब हो गया है, मिनोक्सिडिल खराब है, तो हमें स्मार्टली खेलना है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो मार्केट में बहुत सारे मिनोक्सिडिल घूम रहे हैं, तो मेरे को कहोगे कि भैया 10% वाला भी है, 5% वाला भी है, 2% वाला भी है, तो बेस्ट हमारे लिए कौन सा रहेगा? देखो मिनोक्सिडिल जो है वो 10% तो आप यूज़ मत करो, अगर आप मेल हो तो आप 5% वाला जो सॉल्यूशन है, टॉपिकल सॉल्यूशन है, उसको यूज़ करो, और अगर आप फीमेल हैं तो आप 2% वाला जो सॉल्यूशन है उसको यूज़ करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलो ये तो बात हो गई इसके फायदे की, लेकिन इसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इसके नुकसान क्या है, मिनोक्सिडिल लगाने के नुकसान क्या है? तो भैया अगर आप सोच रहे हो मिनोक्सिडिल आप छोड़ोगे, मतलब मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मिनोक्सिडिल लगाने के बाद उनका रिजल्ट देखना शुरू हो गया होगा लेकिन उन्होंने आगे जाके जो मिनोक्सिडिल है उसको छोड़ दिया, तो भाई हुआ क्या, उनका जो रिजल्ट है वो दोबारा वैसा का वैसा हो गया और वो वर्ड ऑफ माउथ से फैलता क्या चला गया कि भाई जो मिनोक्सिडिल है उसके रिजल्ट खराब आते हैं या फिर उसको छोड़ने के बाद जो है आपके जो हेयर फॉल है वो दुगना हो जाता है। ऐसा नहीं है, आप कभी भी किसी भी दवाई को छोड़ते हो तो धीरे धीरे करके छोड़ा करो। जो मिनोक्सिडिल है ना उसको कभी भी अचानक नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आप अचानक छोड़ दोगे तो पता है क्या उसके साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग खुद जानते हो काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो भी कहते हैं कि भैया मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद एकदम से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो मिनोक्सिडिल को कभी भी एकदम से मत छोड़ो। अगर आपको छोड़नी है तो तकरीबन एक हफ्ते मतलब एक महीना लगाओ मेरे हिसाब से तो, और उसको धीरे 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 करके उसकी क्वांटिटी जो है कम करते जाओ और देखो कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो हेयर फॉल है वो अभी भी नहीं हो रहा है तो उसको आगे जाके आप बंद कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि हेयर फॉल आपका वापस आ रहा है तो मिनोक्सिडिल आपको दोबारा लगा सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई हमको ईचिंग बहुत होती है, तो भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद ईचिंग ज़रूर होती है, ये जो टॉपिकल सॉल्यूशन आप मिनोक्सिडिल लगाते हो इसमें भी ईचिंग होती है, कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट लोगों को होते हैं और हर दवाई के साथ होते हैं, ऐसा नहीं कि मिनोक्सिडिल के साथ ही हैं, ये मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है और आपके साथ भी हो सकता है इन फ्यूचर यही प्रॉब्लम हो अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे को कमेंट में जरूर लिख के बताओ। अब आपके सामने एक मुद्दा और आएगा कि विक्रांत भैया ये तो बता दो यार मिनोक्सिडिल सबसे बेहतर कौन सा है, मार्केट में बहुत सारे मिनोक्सिडिल घूम रहे हैं तो सबसे अच्छा जो मिनोक्सिडिल है वो कौन सा रहेगा? तो अगर आप लोगों ने ये जो राइट वाली वीडियो है इसको नहीं देखा है तो इसको जाके ज़रूर देखो, मैंने अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है मिनोक्सिडिल कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए, तो इसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो म्यूज़िक लवर होंगे, तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, मैं उस पर भी अपनी सिंगिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करता हूँ, आपके सामने भी यहाँ पर वीडियो आ गई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, और अच्छी लगे वो वीडियो तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाता हूँ आपसे इन वीडियोज़ में।